जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले प्रतिभाशाली युवा बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट। आर साई किशोर का जन्म 6 नवंबर 1996 को चेन्नई के मणिपक्कम में हुआ। भारतीय क्रिकेटर विजय शंकर भी इसी लोकेलिटी से आते हैं। साई किशोर के पिता का नाम रवि श्रीनिवासन और माता राजलक्ष्मी है। वहीं उनकी बड़ी बहन लक्षिका श्री हैं और एक जुड़वा भाई भी है साई प्रसाद। अपने स्कूल के दिनों में साई किशोर पढ़ाई में बेहद उज्जवल थे और हमेशा टॉप किया करते थे। एक साइंटिस्ट बनने का सपना रखने वाले किशोर उस समय क्रिकेट देखना और खेलना सिर्फ शौक के रूप में रखते थे, लेकिन बीसीए और एमबीए करने के साथ ही उन्होंने क्रिकेट में अपना कौशल निखारा और खेल को अपना लक्ष्य बनाया। साई किशोर ने केवल 8 वर्ष की आयु से क्रिकेट खेलना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अपने घर के पास एक कोचिंग कैंप ज्वाइन किया और जल्द ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेलने लगे। उस समय किशोर ने सोचा था कि वे पढ़ाई के लिए क्रिकेट छोड़ देंगे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले 2 महीने के बाद ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर क्रिकेट पर फोकस किया। साई किशोर शुरू में मध्य तेज गति से गेंदबाजी करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्पिन बॉलिंग को अपनाया। तमिलनाडु के लिए अंडर 16 और अंडर 19 क्रिकेट खेलने के साथ ही 2017 की विजय हजारे ट्रॉफी में विजय शंकर की कप्तानी में साई किशोर का लिस्ट ए पदार्पण हुआ और उन्होंने 2 विकेट भी लिए। 2017 की रणजी ट्रॉफी में त्रिपुरा के विरुद्ध तमिलनाडु के लिए साई किशोर ने अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण किया और इसके बाद 2018 में आंध्रा के विरुद्ध उनका T20 पदार्पण भी हुआ। साई किशोर भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बहुत बड़े फैन हैं। किशोर की कद काठी और खेलने का अंदाज भी अश्विन से मिलता जुलता है और वे भी अश्विन की तरह ही 99 नंबर की जर्सी पहनते हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के 2016 के एडिशन में साई किशोर साथी सीएसके खिलाड़ी नारायण जगदीशन से भिड़ गए। जगदीशन का विकेट लेकर किशोर ने उग्र जश्न मनाया और जगदीशन को धक्का दे दिया। अश्विन उस समय दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और साई किशोर की इस हरकत से बेहद गुस्से में आ गए। अश्विन ने बीच में आकर किशोर को बुरी तरह से लताड़ा। साई किशोर ने कम उम्र में तेजी से अपना क्रिकेट सफर तय किया है। 2016 से तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेलते आ रहे किशोर ने 2017 के सत्र में सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए और 2019 में उन्होंने त्रिची वॉरियर्स टीम की कप्तानी भी की। 2020 आईपीएल नीलामी में साई किशोर को चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने 20 लाख के उनके बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया। तब से किशोर चेन्नई की टीम में ही बरकरार हैं। आईपीएल 2019 के लिए साई किशोर सीएसके के प्री सीजन कैंप में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कैंप के तीसरे दिन महेंद्र सिंह धोनी ने किशोर को जमकर अटैक किया। इसके बाद किशोर ने हरभजन से सलाह ली और अपनी गेंदबाजी को और धारदार बनाया। 2019 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में साई किशोर का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। 12 मैचों में 4.63 की बेहतरीन इकोनॉमी से उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 20 विकेट लिए। अपने खाली समय में साई किशोर बैडमिंटन और गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। इसी के साथ उन्हें किताब पढ़ना और अपने पेट डॉग के साथ खेलना भी बहुत पसंद है। था इस वीडियो का अंत। क्रिकेट से जुड़े अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।